दिल्ली NCR में बढ़ रही यातायात की समस्या का हल निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 30 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे होगा जिसमें लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन शैलो टनल भी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना निर्माण 5 खंडों में किया जाएगा। पहला खंड, इस खंड की कुल लंबाई 5.9 किलोमीटर होगी जिसका प्रारंभ NH8 पर स्थित शिव मूर्ति पर प्रस्तावित मल्टी लेवल इंटरचेंज से होगा जिससे कि विभिन्न दिशाओं में ट्रैफिक का फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन शैलो टनल का द्वारका सेक्टर 21 के निकट RUB तक निर्माण किया जाएगा। दूसरा खंड, 4.2 किलोमीटर लंबाई के इस खंड में RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक का निर्माण किया जाएगा। इस खंड में द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे DIPP की एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी ECC, द्वारका सेक्टर 21-23, UER सेकंड को दिल्ली में और हरियाणा में नए गुरुग्राम को कनेक्टिविटी देगा। ECC में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन और कॉरपोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। इस खंड में दिल्ली बॉर्डर पर 34 लेन टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एवं गेटरी बेस्ड टोलिंग जैसी तकनीकियों पर आधारित रहेगा और डिजीकरण को भी बढ़ावा देगा। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में दिल्ली में लगभग 1.3 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा जिसके लिए DDA को 78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरा खंड, इसमें बॉर्डर से बसई RUB तक 10.2 किलोमीटर लंबाई में निर्माण किया जाएगा। इस खंड में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय यातायात को सुगम बनाने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। चौथा खंड, ये खंड बसई RUB से प्रारंभ होकर खेरकी दौला टोल प्लाजा के समीप NH8 पर समाप्त होगा। इसमें बसई RUB के चौड़ीकरण के साथ ही साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88-84 की ओर मोड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज भी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि CPR NH8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। पांचवा खंड, इस खंड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा को 1 डीप टनल से द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ना प्रस्तावित है जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 20 से अधिक ब्रिज अथवा फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 11 व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा की बचत हेतु सौर ऊर्जा संचालित पैनल एवं भूजल स्तर बढ़ाने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का विद्युत गति से विकास होगा एवं इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण स्तर में भी काफी कमी आएगी एवं कीमती ईंधन की भी भारी बचत होगी। भारत माला प्रगति के पथ पर अग्रसर।